So we all are exciting just because for morning we all are going for a trip. So हम लोग सुबह जाने वाले थे, तो ये देखो सारे लोग तैयार हुए हैं और अभी हम सारे लोग बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि बस अभी आई नहीं है यार। टाइमिंग तो 7 बजे की थी बट बस आई जो 8 बजे, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बट कोई ना, आ गई। देन अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस में नारे लग रहे थे जय बजरंग बली और बहुत सारे। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम बता दें, जाने के पहले हम गए थे बैंगलोर में मैंगो मिस्ट, दैट इज़ अ वेरी एडवेंचरस रिसॉर्ट। और वहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत ज़्यादा फ़न किया। जो भी फ़न था, जो भी एक्टिविटीज़ थी, वो मैं सेपरेट वीडियो में डालूंगी क्योंकि जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे गैदर हुए थे और हमें बैंड मिलना था, जिससे होता ना पहचान इस टाइम वही। तो देखो हम लोग को बैंड मिल चुका था, अभी हम लोग जा रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम चल पड़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट किया बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो था नेचर। लाइक नेचर इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर यू। तो ये बहुत अच्छा था कि हर जगह जो था वो नेचुरल था और इतना अच्छा हमें फील आ रहा था। लाइक यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन वॉर्म योर सेल्फ, लाइक नेचर इज़ हग यू, लाइक एवरीथिंग इज़ गुड एंड स्माइलिंग। तो ये जो फाउंटेन था दैट इज़ अ वेरी गुड, वेरी ओपी, लाइक वेयर यू आर स्टैंडिंग हेयर यू गेट अ वाटर ड्रॉप्स ऑन योर फेस एंड द फील इज़ वेरी ओपी। तो अभी हम चलते हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ थी जो हमने बहुत ज़्यादा की है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ऐसा क्या था जो मैंने पूरे ट्रिप पे कई बार किया है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं। तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। सो वी और आर गोइंग फॉर दी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट था बहुत यमी था, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर, लाइक मैफिन, सूजी उपमा, एग भुर्जी, एंड टेस्ट वॉज वेरी ऑसम। लाइक यू फील लाइक दिस इज़ अ ओपी, ओके यू कॉन्ट डिनाई टू ईट, ओके वॉट आई हैड, दिस इज़ लाइक फ्रूट्स एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल। सो आई सॉ दैट पिक्चर। सो फाइनली आई हैड डन विद दी ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर विजिट टू दी नेचर, लाइक एक्सप्लोर वॉट इज़ द थिंग इज़ गुड एंड ऑसम। सो हियर वी आर एंजॉइंग एंड टेकिंग अ लाइक वाओ वेरी वार्म हग एक टू द नेचर। सो दिस इज़ वेरी 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 ऑसम। हियर आई एम। मैंने आपको बताया था ना एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा की है, बट उसके पहले हाँ ये देखो, ये जो रोलिंग रोल था इस पर सिर्फ हमें वॉक करना था, वी कॉन्ट रन, बट स्टिल मैनी पीपल आर ट्राइंग टू रनिंग एंड दे गेट फॉल डाउन। सो मैंने तो भाई धीरे धीरे किया, बोला भाई गिराना मत, कोई कोई मत चलाना, मैं खुद से चलाऊंगी। और हाँ धीरे धीरे करके जब मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी मैं उतर गई थी, बट हाँ स्टिल मैंने ट्राई किया। बस अभी उतर गए, अभी थोड़ी सी झूला झूला झूलते हैं। हाँ तो मैंने बताया था ना एक चीज़ थी जो मैंने बहुत ज़्यादा किया वो है झूला झूलना। हम लोगों ने बस सबसे ज़्यादा अगर कुछ किया तो वो सिर्फ झूला ही झूला। पूरी ट्रिप में हमने ज़्यादा से ज़्यादा झूला झूला, पूरा जो दिन था ना हमारा, मोस्टली टाइम था हमने हमारे झूले को दिया। लाइक फील यार श्री कृष्णा भी जब झूलते हैं ना तो उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है, एंड दैट सेम फीलिंग वॉज इनसाइड मी के यार क्या फील था वो। तो बस यही फील था जो हमने ज़्यादा अनुभव किया, और दैट्स फील जॉय विथ माई सेल्फ, हील माई सेल्फ, सो आई एन्जॉय दैट ऑल। अभी आपको हम और सारी चीज़ें दिखाते हैं। लुक ये जो थे ना, ये जो वॉल्स थे इनमें हम लोगों को जाना था, और ये दैट इज़ जो साइट था ना वो, उसमें बेबीज जो थे वो ऐसे राउंड एंड राउंड खेल रहे थे। अभी हम और आगे चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो एरिया था ये एडवेंचरस एरिया था, यहाँ पे आप जिग जैग है, सॉप लाइन है, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो आप कर सकते थे। मैंने भी कुछ चीज़ें ट्राई किए थे वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में डालूंगी जस्ट बिकॉज वीडियो गोना टू बी लेंदी। सो वो सारी चीज़ें ना वीडियो सेपरेट में रहेंगी। बट हाँ यहाँ जो मुझे एक चीज़ मिली वो था लोटस। आई लव इट यार, कहते हैं ना पहली नज़र का प्यार, मेरा यही था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लोटस देखा था वो भी खेलते हुए। तो इस लोटस ने ना मेरा दिल भाई ले ही लिया था, बट अफसोस यार मिला ही नहीं। वो होता ना सच्चा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ यार, मुझे लोटस मिला ही नहीं। कोई ना चल मार। अब हम चलते थे ग्राउंड की ओर। ये हमारी टीम थी सारी, सबने 4 टीम्स बनाई गई थी, मुझे शायद 2 के ही नाम याद है, एक एवेंजर्स और एक लफंडर और 2 के नहीं पता था। और टास्क ये था कि इन टीम का कोई एक मेंबर आगे जाएगा, गाना प्ले होगा और उस मेंबर को फॉलो करते हुए इन सबको डांस करना होगा।
एंड मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो का साउंड ऑन करती हूँ। आप सुनो, मैं इतना ज़्यादा फन था, बहुत ज़्यादा। अब जो टीम की बारी थी, वो सेकंड टीम की बारी थी, और इसमें जो ब्लू टी शर्ट वाले भैया हैं, ये हमारी टीम के हैं, मतलब हमारे टीममेट्स हैं एज अ कंपनी। बट हाँ, मैंने इनमें से किसी भी टीम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, आई जस्ट वाज वाचिंग एंड एंजॉयिंग। तो सीधा है टाइम टू टीम एवेंजर्स। तो इन लोगों का भी काफ़ी ओपी था, बट एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग वॉज द टीम फोर्थ। सो लुक, टाइम टू लास्ट टीम एंड द टीम वॉज ओपी। लाइक सॉन्ग वॉज लेडी सॉन्ग एंड दी टीम इन दी टीम दैट ऑल दी बॉयज, बट lots of fun was there, but we are going to explore like resort. So we are going here, nature, and like ये जो huts आपको दिख रहे हैं, there are no huts, ये rooms थे। like आपको ऐसा लगेगा आप पूरे तरह से जंगल में हो। जो इनके जो rooms भी थे ना, वो भी आपको ऐसा लग रहा था ऐसे like tree benches like all। और ये हिरन असली की नहीं है, ये जस्ट प्लास्टिक की हिरन थी। बट हाँ, इस तरह के एनिमल्स भी यहाँ पे थे। इवन पता है जो नारियल्स वगैरह होते हैं ना, वो भी इन्होंने प्लास्टिक के लगा के रखे थे। लाइक फुल जो व्यू था, वो इन्होंने फुल नेचर वाला आपको व्यू देने का ट्राई किया, एंड दे गिव देयर 101%। सो लाइक ऑल वॉज गुड। और इसी के साथ ना हमारा लंच टाइम हो गया था, सो वी आर गोइंग टू हैव लंच। लंच वॉज वेरी डिलीशियस, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर। इसके बाद हम लोग गए थे फेस स्पा के लिए। लाइक मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, देन फेस डस्ट टू माई फीट इज फील लाइक यार कुछ तो हो रहा है। जो मतलब कोई ऐसे होता है ना, लाइक चिंटी सी काटना, वैसे ही कुछ हो रहा था। बट इतना इंजॉयबल ये मोमेंट था ना, इतना इंजॉयबल, आई इंजॉयड अ लॉट हियर। ये देखिए इतने सारे फेस थे और बहुत इंजॉय किया। हाँ, हम आते हैं हमारे लोटस पे। तो हमने यार लोटस तोड़ने का काफ़ी ट्राई किया, अपना प्यार पाने की कोशिश की मैंने, बट अफसोस मिला ही नहीं मुझे। वो मुझसे काफ़ी दूर था, मैंने ट्राई किया उसको प्लग करने के लिए, बट नहीं हुआ। इसके बाद हम सारे लोग गए थे पूल साइड पे, ऑल वर डूइंग एंजॉय, बट हम गए थे बोटिंग करने के लिए। सो चलते हैं बोटिंग करने के लिए। तो हमें यहाँ पे किट मिली और हम लोग आ गए अभी रिवर के बीचों बीच। लाइक आप ये देख रहे हो, इसे आप पुल भी कह सकते हो, लाइक एक तरह का पॉन्ड था ये, तालाब टाइप, बट पानी बहुत डेप्थ में था। मेरा मतलब हमें जो चप्पू मिलता है ना नाव चलाने के लिए, वो पूरा अंदर तक गया था, बट हमें ज़मीन नहीं मिली थी। ये जो ये लोग जिससे ये चला रहे हैं ना, हम यही इसी से तैरते हुए हम आगे की साइड आए थे, और नाव भी आ रहा ना बिटवीन इन दी मैं। ये देखो, ये जब मैंने पानी के अंदर पूरा डाला हुआ था, बट मुझे ज़मीन नहीं मिली, क्योंकि हम लोग मुझे पता नहीं चल रहा था कि कितना गहरा है, तो ट्राई कर रहे थे कि पता चल जाए। बट दैट इज़ वेरी इंजॉयबल। जब हम यहाँ बीच में थे और जो हवा थी ना, जो हमारे फेस को टच कर रही थी, वो जो फील था ना, उस फील को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो फील कितना औसम और कितना कहते ना, बिल्कुल एक बहुत अजीब सा, एक बहुत प्यारा सा एक टच था।
जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, यू कांट एक्सप्लेन। बट हाँ, इन्जॉय बहुत था, बहुत ज़्यादा मैंने पिक्स लिए, बहुत ज़्यादा सेल्फी ली, नेचर के बीचों बीच थे, लाइक ऊपर से आसमान और नीचे पानी और आप बिल्कुल मस्ती कर रहे हो फुल ऑफ जोन में। तो मेरा भी वही सीन था, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी कितना ज़्यादा था और बस बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मैंने किया। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ एडवेंचरस करने। तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस ट्राई की, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद हम लोग गए वॉशोइंग में, इसको भी किया, इसमें मैंने मतलब मैंने खुद को लॉक करके यहाँ पे किया, इसकी भी सेपरेट वीडियो आएगी। एंड ये पूरा हमारा मैंगो मिस्ट का ट्रिप था, जो बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉयबल था एंड वेरी वेरी एडवेंचरस था एंड एक सुकून भरा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट जो भी ट्रिप होगी उसका ब्लॉग ज़रूर आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।